हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने फ्रीज़ फिल्टर वाला फ़ोटो ट्रेंड जो है उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाया था, लेकिन वहाँ पर इशू ये आ रहा है कि कुछ लोगों को यार ये वाला फ़िल्टर ही नहीं मिल रहा टिकटॉक में। और अगर किसी को फ़िल्टर मिल रहा है तो उसको ये नहीं समझ लग रही कि जो मल्टी शॉट है वो कैसे ले सकते हैं। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो जो हमें फ़ोटो फिल्टर इफेक्ट नहीं मिल रहा तो वो कहाँ से मिले। तो सबसे पहले आप लोगों ने तो चेक करना है कि आप लोगों की जो ऐप है वो अपडेट है या नहीं है। तो अगर अपडेट नहीं है तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, प्लस वाले आइकन के ऊपर जाना है। और प्लस वाले आइकन के ऊपर जाने के बाद अब आप लोगों ने इफेक्ट्स में जाना है। और यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ देखें जो ट्रेंडिंग है ना, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखें, ये जो लड़की बनी हुई है इस लड़की को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आप लोगों को देखें ये वाला इफेक्ट मिल गया है। और अगर आप लोगों को ये वाला इफेक्ट नहीं मिल रहा यहाँ पर भी, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि बैक आ जाना है। तो अगर आप लोग यही वाली वीडियो देखें जो मेरे सामने आ रही है, तो इसके नाम के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मूवी फिल्टर, लेकिन ये तो हमारे काम का नहीं है। तो इसी तरह आप लोगों ने अब क्या करना है कि कोई ऐसी वीडियो को सर्च कर लेना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि किसी जो बड़े जो टिकटॉक स्टार है जिसको आप लोगों ने फॉलो किया हुआ है, अगर उसने ये वाली वीडियो बनाई हुई है तो सिंपली आप लोगों ने उसकी आईडी में जाके ये वाला फ़िल्टर वहाँ से निकाल के उसको ओपन कर लेना है। और अगर आप लोगों को ऐसे भी नहीं पता कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि किसने बनाई थी, तो सिंपली मैं आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप लोगों ने वहाँ पे जाके उस वीडियो को ओपन कर लेना और वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फ्रीज़ फिल्टर लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप लोगों ने उस फ्रीज़ फिल्टर को ओपन कर लेना है। तो मैं देखें अभी अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये फ्रीज़ फिल्टर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी तरह आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस फ्रीज़ फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ऐड टू फेवरेट किया हुआ है, तो आप लोगों ने भी इसको फेवरेट ऐड कर लेना है। और तो आप लोग चाहें तो यहाँ से भी इसको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली ऐसे ऐड टू फिल्टर कर लेना है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि दोबारा ये वाला जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर जाना है। और यहाँ पे देखें इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे जो ट्रेंडिंग से पीछे हमारे पास आ रहा है मार्क वाला ऑप्शन, इसके ऊपर जाना है। और यहाँ पे देखें हमारे पास वो वाला इफेक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने मल्टी शॉट वीडियो कैसे लेनी है। तो भाई मल्टी शॉट लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है और अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है। तो आप लोगों का शॉट जब एक आ जाएगा तो आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देनी है। तो अभी आप लोगों ने यहाँ से आगे नहीं मूव हो जाना, आप लोगों ने अगेन इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और अगेन आप लोगों ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है। देखिए मेरे पास इस तरह डिफरेंट शॉट्स आप लोग ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, इस तरह आप लोग अपने मल्टीपल शॉट्स भी ले सकते हैं। और उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या मसला था जो आप लोगों को फ़िल्टर नहीं मिल रहा, तो आप लोगों कैसे ढूंढ सकते हो। तो मज़ीद ऐसी VFX से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टिकटॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता